हे एवरीवन, दिस इज रितु और आज हम बात करने वाले हैं फिंगरिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि फीमेल पार्टनर को पेनिट्रेशन से ज़्यादा स्टिमुलेशन फोरप्ले पे मिलता है या फिर आउटर प्ले पे मिलता है। यानी कि फिजिकल रिलेशन जो होता है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इनर प्ले, जिसको हम पेनिट्रेशन कहते हैं। एक होता है आउटर प्ले, जो कि फोरप्ले का अलग अलग सेक्शन होता है। तो आज हम फोरप्ले के ही एक एक सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ फिंगरिंग। जी हाँ बिल्कुल, फिंगरिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसके ज़रिए बिना आप पेनिट्रेट किए भी अपने फीमेल पार्टनर को प्रॉपर सेटिस्फाइड कर सकते हो। और काफ़ी सारे स्टडीज़ में काफ़ी फीमेल ने ये कंक्लूशन दिया है उनको कि उनको पेनिट्रेशन चाहिए ही नहीं अगर उनका मेल पार्टनर जो है प्रॉपर तरीके से उनको फिंगरिंग कर सके। इसका रीज़न क्या होता है, क्यों? इसके पीछे रीज़न ये होता है कि फीमेल पार्टनर की जो वजाइनल वल है उसमें अपनी कोई सेंसिटिविटी होती ही नहीं है। फीमेल पार्टनर का जो क्लिट होता है, उसके जो सेंसिटिव नर्व्स होते हैं हज़ारों के तादाद में, वही जब वजाइनल वल के ऊपर फैलता है तो उसमें जो फ्रिक्शन पैदा होती है, फ्रिक्शन से जो स्टिमुलेशन जनरेट होता है, उससे फीमेल पार्टनर को सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो डिपेंड नहीं करता कि वो स्टिमुलेशन जो है वो किससे जनरेट होती है। इसीलिए फीमेल पार्टनर जो होती है वो कभी कभार टॉयस इस्तेमाल करके भी अपने आप को प्लेजर देती है। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक मेल पार्टनर अपनी उंगली का इस्तेमाल कर रहा है या अपने प्राइवेट ऑर्गन का इस्तेमाल कर रहा है। अगर उनकी फिंगरिंग अच्छी तरीके से हो, अगर फिंगर टिप्स अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो, तो काफ़ी सारे फीमेल को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती पेनिट्रेट करने की। और ये एक आसान वे भी होता है उन कपल्स के लिए जो पहली बात प्रेगनेंसी नहीं चाहते, दूसरी बात कि वो किसी भी रीज़न से पेनिट्रेट नहीं करना चाहते, डिलीवरी हुई है, व्हाटएवर जो भी रीज़न हो, या फिर प्रेगनेंसी है, उस दौरान भी लाइट फिंगरिंग उनको काफ़ी मदद कर सकता है कि वो एक दूसरे को स्टिमुलेट कर सके और ऑर्गेज्म अचीव करवा सके। तो चलिए आइए बात करते हैं कि फिंगरिंग का सही तरीका क्या होता है और किस तरीके से किया जाए। दोस्तों, काफ़ी सारे फीमेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो सारी चीज़ों को पसंद करते हैं बट खुल के बोलते नहीं हैं, अपने पार्टनर के साथ बात नहीं करते, और इन सारे मामलों में, इन बेशर्मी के मामले में सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं अपने पति देव से कि वो सारी चीज़ें करे तो भले बट वो बोले नहीं। इस केस में मैं फीमेल से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग बनानी है तो डिस्कस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज डिस्कशन से काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आती हैं, काफ़ी सारी फैंटेसीज़ बाहर आती है, काफ़ी सारी इच्छाएँ, डिसलाइक्स लाइक्स बाहर आते हैं। तो डिस्कस अपने पार्टनर के साथ ज़रूर करें। चलिए फिंगरिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कौन से फिंगर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। मैक्सिमम केस में देखा गया है कि मेल पार्टनर जो होते हैं अपने इन दो फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको कंफर्ट इसी दो फिंगर से मिलता है। और हमारी जो ये दो फिंगर्स होती है, ये सबसे ज़्यादा लार्ज होती है और इससे ही हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है। बट फिंगरिंग करने से पहले दो चीज़ का ध्यान रखें। पहली बात कि शुरुआत में ही फिंगरिंग वर्क नहीं करता। फिंगरिंग से पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फीमेल पार्टनर को प्रॉपर उत्तेजित करो, यानी कि फोरप्ले, शुरुआती फोरप्ले, किस करना, उसको स्टिमुलेट करना, उसके ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करना जो पसंद करती है, जहाँ वो स्ट्रच करना उसको अच्छा लगता है। तो जब आप उसको उत्तेजित कर रहे हो, आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करो कि आपकी फीमेल पार्टनर वेट हुई है कि नहीं। अगर वेट नहीं हुई है तो ये उंगली क्या, ये उंगली भी आप अंदर डाल नहीं पाओगे। तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपकी फीमेल पार्टनर वेट हो गई है। आप चाहो तो आर्टिफिशियल ल्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अपने चैनल में बहुत सारी कंपनीज के बारे में बताया है जो कि सेफ होता है, सिक्योर होता है। तो आर्टिफिशियल ल्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो और हमेशा वेटनेस को कन्फर्म करो। जब वेट हो जाए और आपकी फीमेल पार्टनर राज़ी हो जाए, उसके बाद ही फिंगरिंग स्टार्ट करो। बिकॉज वजाइनल वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, बट वो इलास्टिसिटी तभी फैलती है जब उसकी बॉडी प्रिपेयर हो, जब वहाँ ब्लड फ्लो हो। अदरवाइज़ मैंने कहा ना, आप ये उंगली भी अंदर नहीं डाल पाओगे, फ्रिक्शन जनरेट करने से पहले कट आ सकता है, फीमेल को पेन हो सकती है।
तो उसको वेटनेस इंपॉर्टेंट है, बॉडी का प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जो स्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मुसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मुसली, तिवांग भस्म और लौह भस्म जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उसके बाद आप एक चीज का ध्यान रखें, फीमेल पार्टनर के वजाइनल वॉल में अपनी कोई सेंसिटिविटी नहीं होती तो सीधा डालने से कुछ नहीं होता है। काफ़ी सारे मेल पार्टनर सोचते हैं कि मैं अपना हाथ ही अंदर डाल दूं तो फीमेल पार्टनर को मजा आने वाला है, बट इट्स एक्चुअली ये वर्क नहीं करता। फीमेल पार्टनर का जो सेंसिटिव हिस्सा होता है, जिसको हम जी स्पॉट कहते हैं एक्चुअली, वो ऊपर की तरफ होता है। लेट्स अज्यूम इट कि ये फीमेल पार्टनर का वजाइनल होल है, स्टार्टिंग ओपनिंग होल है। तो आप स्ट्रेट ना आप पेनिट्रेट करके अपनी उंगली को, आप ऊपर की तरफ आपको अपनी उंगली को पेनिट्रेट करना होता है। ऊपर की तरफ ही जो स्पॉट होता है, क्लिट के सेंसिटिव नर्व्स होते हैं जिसको स्टिमुलेशन देने के दौरान फीमेल पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। और यहाँ स्टिमुलेशन आप ऊपर दे सकते हो, साइड में दे सकते हो, बहुत ही प्यार से। नाखून आपकी उंगलियों में नहीं होने चाहिए क्योंकि वजाइनल वॉल बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट टिश्यूज से बनती है, तो कट्स आने के चांसेस हो जाते हैं, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए नाखून ना हो। आप शुरू में एक उंगली का इस्तेमाल कर सकते हो, कंफर्ट मिलने के बाद आप दो उंगली का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद आप तीन उंगली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डिपेंड्स कि आपकी फीमेल पार्टनर इसको कैसे ले रही है। अगर उसको इससे मज़ा आ रहा है, आप खुद फील करोगे कि आराम से आपकी एक के बाद दो, दो के बाद तीन उंगली अंदर जा रही है, इसका मतलब है कि वजाइनल वॉल अपने आप को स्पेंड कर रही है और आपके लिए अपनी उंगलियों को पेनिट्रेट करना आसान हो रहा है। अगर एक के बाद दो के बाद तीन नहीं हो रहा है तो आप एक उंगली से ही करो, फिर दो उंगली से ही करो। ये सारी चीज़ें कंसेंट के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ होनी चाहिए। आप उसके साथ एक चीज़ ट्राई कर सकते हो, जब भी आप फिंगरिंग करो, आपका एक हाथ से आप पेनिट्रेट कर रहे हो, आपका दूसरा हाथ जो है वो क्लिट को स्टिमुलेट कर सकता है। क्लिट कहाँ होता है मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है, आपको पता भी है क्लिट कहाँ होता है। तो आप आउटर जो लेबिया होता है, आउटर लिप्स जो होते हैं, या फिर जो प्यूबिक हिस्सा होता है, उस हिस्से को अपने दूसरे हाथों से आप स्टिमुलेट कर सकते हो, वहाँ पे आप मसाज कर सकते हो, आप उस हाथों में भी आप ल्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो और उससे बाहर के हिस्से को स्टिमुलेट कर सकते हो। आप खुद देखोगे फीमेल पार्टनर की जो एक्साइटमेंट है वो और बढ़ेगी और आप खुद फील करोगे कि सडनली बहुत सारा ल्यूब आपकी फीमेल पार्टनर ने खुद रिलीज़ किया। ये वो डिस्चार्ज होता है जो सेटिस्फेक्शन के बाद फीमेल पार्टनर अचीव करती है। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप फिंगरिंग के दौरान पोजीशंस को ठीक रखो, कंसेंट को रखो और दोनों हाथों का अच्छे से इस्तेमाल करो। इस टेक्निक से आपकी फीमेल पार्टनर को आप बढ़िया तरीके से ऑर्गेज्म को अचीव करा सकते हो। वीडियो को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और ऐसे ही वीडियोस को रोज़ाना देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।